आज की वीडियो है हमारी i10 ग्रैंड के ऊपर है और हम ग्लेंडन का ही टच स्क्रीन लगाएंगे, वही 10 इंची वाला हमारा ये रहा। तो इसको पहले हम फ्रेम वगैरह हटाएंगे सामने से। थोड़ा फ्रेम इसका बहुत टाइट है, हटने में थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ा आप भी कभी ट्राई करो तो 100 पेचकस को थोड़ा ढंग से लगाना, वरना आपको साइडोज वगैरह में दिक्कत आ सकती है। तो चलते हैं, तो पहले इसका मैं फ्रेम निकालता हूँ, फिर उसके बाद कपलर टू कपलर फिटिंग रहेगी, क्योंकि ग्लेंडन कंपनी हमें कपलर टू कपलर फिटिंग ही दे रहा है, कोई हमें वायर काटना नहीं पड़ेगा। प्लस इसके अंदर एम्पलीफायर लगा हुआ है, सबवूफर लगा हुआ है, तो आज पूरा बेस भी बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी पुरानी वीडियोस रही हैं उसके अंदर सिर्फ मैं स्पीकर्स का साउंड चलाता था। आज इसके अंदर सबवूफर भी हम लगाएंगे साथ में, और 2 एम्पलीफायर हैं, 1 सबवूफर है और हमारे JBL के स्पीकर्स लगे हैं, तो देखते साउंड कैसा आता है इसके अंदर। थोड़ा खोलना ढंग से है, मैंने थोड़ा टाइम लगाया, थोड़ा मेरे को थोड़ा सा देखो यहाँ पे आ गया डेंट, तो थोड़ा जब भी आप खोलो इसको तो थोड़ा धैर्य रखना, खुलेगा ज़रूर, जैसे ये इधर आ गया, खुलेगा ज़रूर लेकिन धीरे धीरे। बस आपने एक तरफ से स्टार्ट करना है, या तो यहाँ से स्टार्ट कर लो या यहाँ से, कहीं से भी एक तरफ से एक बार खुलना स्टार्ट हुआ तो बस आप अपना पेचकस धीरे 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 ऐसे ऐसे कर करके ये खुल जाएगा। फिलहाल ये इसका कपलर है, इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये आ गया है। तो विद फ्रेम ही हमें सब कुछ मिला है, बस हमें ये थोड़ा ये निकालना पड़ेगा इसका, ये ब्लोअर का, बाकी ये वैसे है। यहाँ पे मेरे को ये पेच वो दे रखे हैं, ये स्क्रूज वगैरह हैं, मेरे को ये खोलने हैं, तो ये खुल जाएगा। फिलहाल ये 2 ही हैं मेरे को लग रहा है, 4 है, 4 हैं, हाँ 4 तो नहीं है राजू, सिर्फ 2 ही हैं, 1, 2, 3, 4 सिस्टम के लिए बाहर खींचने के लिए। बाकी मैं इसके स्क्रूज वगैरह खोलता हूँ, फिर मैं आपको मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाना है। वो 4 स्क्रू थे जैसे मैंने आपको बताया, तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा। बाकी ये पूरा डबल डिन है, अच्छा खासा दे रखा है, तो कपलर टू कपलर है, एंटीना वगैरह सब दे रखा है। तो मैं एक बार खोल देता हूँ, एक बार हेल्प करोगे सर मेरे, तो अरे वो टाइट हो रखा है, ऐसे खोल देना है तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो इसको इधर रख देना है। बाकी अब ये है हमारा, ये ऐसे पूरा पूरा फ्रेम के साथ आया है, पूरा i10 का। तो आपको बस ये आपके जो ब्लोअर है और साथ में ये वाले बटन है, ये आपको निकालने पड़ेंगे, वो हमारे यहाँ लग जाएंगे और ये बाकी यहाँ ये लग जाएगा। तो मैं अभी कपलर टू कपलर फिटिंग करके दिखा देता हूँ मैं आपको, पहले फिलहाल चला के दिखा दूंगा थोड़ा सा कि हाँ कपलर हमारे सही है, सही बैठा है, उसके बाद पूरी फिटिंग के बाद इसका साउंड सिस्टम सुनाऊंगा, प्लस एम्पलीफायर के साथ ये कैसा रिस्पॉन्स देता है ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये कपलर दिया है ग्लेंडन कंपनी ने, तो ये वही है, 2 हुक हैं, तो दोनों मेरे को लग जाएंगे ये। तो फिलहाल पिनें वगैरह देखनी है, और ये 3 पिन ठीक है, ये हमारा 8 पिन का हो गया, ये लग गया यहाँ पे, और ये 4 पिन वाला हमारा यहाँ पे लग गया, प्लस हमारा अब इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। ये हमारा पावर जैक है, ये हमारा लगेगा इसके अंदर, तो ये मैं लगा रहा हूँ इसमें, तो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, इसको हटा दे, ऑन हो गया, तो ये ऐसा कुछ आएगा। तो स्टार्टिंग में लोगो ऐसा आता है, आप लोगो भी चेंज कर सकते हो, हुंडई का लोगो है, उसको हुंडई का लोगो आ जाएगा, अभी एंड्रॉयड का लोगो लगा हुआ है इसके अंदर, तो ऑन होने दो इसको, थोड़ा टाइम लेगा। प्लस एक बार ऑन होने के बाद आपको इसको वाईफाई से कनेक्ट करके, हॉटस्पॉट से अपने कोई भी है उसको अपडेट ज़रूर मारना है अपने, अपडेट के बाद फिर ये अपने आप बढ़िया तरीके से चलेगा। फिलहाल ये हमारा खुल गया है, तो अपडेट में है, तो हमारा वही सेम है, टच बहुत बढ़िया है, टच का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, बिल्कुल एकदम लग के ही एकदम चल रहा है। प्लस यूट्यूब वगैरह है इसके अंदर हमारा, तो मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन इसको पहले मैं फ़िक्स कर लेता हूँ पूरा अच्छे से, फिर इसके बाद पूरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूंगा कि क्या क्या हैं चीज़ें। तो दोस्तों ये जैक्स हैं हमारे RC लीड्स वगैरह के हैं, इसके अंदर आपको वीडियो आउटपुट मिल जाएगा, आपका हमारे एम्प चलाने के लिए इसके अंदर सबवूफर ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको इन्हीं 2 से ही आपको सबवूफर भी निकालना पड़ेगा वायर लीड से। प्लस आपका ये वायर है आपकी एम्प के लिए है कि एम्प ऑन ऑफ होएगा, तो वो इससे कनेक्ट हो जाएगा आपका। बाकी हमारे पे इन्होंने 2 USB पोर्ट्स दिए हैं,
तो दो यूएसबी ऐसे ऐसे जो इनके जैक्स हैं जो भी इनके मेल के हैं वो आपको लगा देना है सारे, और प्लस आपको जीपीएस एंटीना भी मिला है, इसी से ही आपका जो नेविगेशन वगैरह आएगा वो इसी से ही आएगा। तो मैं सारा फिट कर देता हूँ, फिट करने के बाद फिर पूरी इसकी परफॉर्मेंस बताता हूँ कैसी है। प्लस मैं अभी इसके अंदर आरसीए लीड डालूंगा येरी मेरी, क्योंकि इसके अंदर एम्प ऑलरेडी लगे हुए हैं, प्लस सबवूफर लगा हुआ है, तो साउंड कैसा आएगा मैं पूरी फिटिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं पूरी फिटिंग की आपको वीडियो बनाता हूँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। फिलहाल मेन जो चीज़ें थी कपलर टू कपलर फिटिंग वो आपको मैंने बता दिए हैं, बस आरसीए लीड इसके अंदर लगनी है मेरी एम्प को चलाने के लिए इसके अंदर दो। बाकी मैं यहाँ से गेट के नीचे से जाएंगी ये सारी, फिर मैं आपको पूरी सेटिंग दिखाता हूँ मैं। सो दोस्तों फिक्स कर दिया है मैंने, तो विद फ्रेम आया था ये सेट, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो ये ओरिजिनल फ्रेम है जो हमारी गाड़ी के साथ लगा हुआ था दूसरे एक फैक्ट्री फिटेड स्टीरियो के साथ, तो इसके साथ भी ये पूरा फ्रेम के साथ में ही आया है, साथ में कपलर्स वगैरह सारा साथ में ही आया है। तो फिलहाल अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी। फिलहाल फ्रंट पैनल पे आपको नेविगेशन, रेडियो मिल जाता है, म्यूज़िक मिल जाता है, सेटिंग्स मिल जाती है। फिलहाल हमारा ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा एक मेन्यू सा खुल जाएगा, जिसके अंदर रेडियो, ब्लूटूथ, म्यूज़िक, नेविगेशन, वीडियो का हो गया, यूट्यूब का हो गया, प्ले स्टोर्स हो गया, जिसमें अपने जाके हम ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना ही पड़ेगा इसको या वाईफाई देना पड़ेगा। कार सेटिंग्स हो गया, टच अच्छा है, एवीएन, कैलकुलेटर, कैलेंडर, सेटिंग्स हो गया, डाउनलोड्स हो गया जो आप डाउनलोड्स वगैरह करते हो, फ़ोन लिंक हो गया, इससे आप अपने एंड्रॉयड आईफोन का फ़ोन मिररिंग भी कर सकते हो, प्लस आप यूएसबी से एंड्रॉयड फ़ोन को अपना जो जितना भी टच है एंड्रॉयड फ़ोन का, मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप सीधा टच सारा इसी पे आ जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, आईफोन का जब आप कनेक्ट करोगे स्क्रीन मिररिंग तो हो जाएगी, लेकिन आपका जब यूट्यूब चलाने जाओगे तो यूट्यूब नहीं चलेगा, ये थोड़ा आईफोन में दिक्कत रहती है, बाकी एंड्रॉयड वगैरह में ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, आप स्क्रीन को ऊपर से स्लाइड करोगे तो आपका ये मेन्यू पूरा आ जाएगा, सेटिंग्स वगैरह, इसमें जाके आप अपने पूरे एक एंड्रॉयड फ़ोन की तरह अपना जो टाइमिंग वगैरह है, सिक्योरिटी लॉक वगैरह, फ़ोन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके आ जाएगी, मिल जाएगी। फिलहाल अब हम नेविगेशन की बात करते हैं, नेविगेशन के लिए पहले सबसे पहले आपको हॉटस्पॉट देना पड़ेगा, उसके बाद में आप अपने जो मैप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप आराम से इजीली कहीं पे भी जाना हो आप जा सकते हो। तो और यूट्यूब है, यूट्यूब के लिए पहले हॉटस्पॉट, वही बात कहूँगा कि हॉटस्पॉट कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपका यूट्यूब चलेगा। तो मैं चला एक बार हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ अपने फ़ोन का, फिर इसको चलाता हूँ, फिर आपको सारी इसकी जो साउंड है वो सुनाता हूँ कैसा है। सो दोस्तों फिक्स कर दिया है मैंने, तो विद फ्रेम आया था ये सेट, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो ये ओरिजिनल फ्रेम है जो हमारी गाड़ी के साथ लगा हुआ था दूसरे एक फैक्ट्री फिटेड स्टीरियो के साथ, तो इसके साथ भी ये पूरा फ्रेम के साथ में ही आया है, साथ में कपलर्स वगैरह सारा साथ में ही आया है। तो फिलहाल अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी। फिलहाल फ्रंट पैनल पे आपको नेविगेशन, रेडियो मिल जाता है, म्यूज़िक मिल जाता है, सेटिंग्स मिल जाती है। फिलहाल हमारा ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा एक मेन्यू सा खुल जाएगा, जिसके अंदर रेडियो, ब्लूटूथ, म्यूज़िक, नेविगेशन, वीडियो का हो गया, यूट्यूब का हो गया, प्ले स्टोर्स हो गया, जिसमें अपने जाके हम ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना ही पड़ेगा इसको या वाईफाई देना पड़ेगा। कार सेटिंग्स हो गया, टच अच्छा है, एवीएन, कैलकुलेटर, कैलेंडर, सेटिंग्स हो गया, डाउनलोड्स हो गया जो आप डाउनलोड्स वगैरह करते हो, फ़ोन लिंक हो गया, इससे आप अपने एंड्रॉयड आईफोन का फ़ोन मिररिंग भी कर सकते हो, प्लस आप यूएसबी से एंड्रॉयड फ़ोन को अपना जो जितना भी टच है एंड्रॉयड फ़ोन का, मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप सीधा टच सारा इसी पे आ जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, आईफोन का जब आप कनेक्ट करोगे स्क्रीन मिररिंग तो हो जाएगी, लेकिन आपका जब यूट्यूब चलाने जाओगे तो यूट्यूब नहीं चलेगा, ये थोड़ा आईफोन में दिक्कत रहती है, बाकी एंड्रॉयड वगैरह में ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, आप स्क्रीन को ऊपर से स्लाइड करोगे तो आपका ये मेन्यू पूरा आ जाएगा, सेटिंग्स वगैरह, इसमें जाके आप अपने पूरे एक एंड्रॉयड फ़ोन की तरह अपना जो टाइमिंग वगैरह है, सिक्योरिटी लॉक वगैरह, फ़ोन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके आ जाएगी, मिल जाएगी। फिलहाल अब हम नेविगेशन की बात करते हैं, नेविगेशन के लिए पहले सबसे पहले आपको हॉटस्पॉट देना पड़ेगा, उसके बाद में आप अपने जो मैप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप आराम से इजीली कहीं पे भी जाना हो आप जा सकते हो। तो और यूट्यूब है, यूट्यूब के लिए पहले हॉटस्पॉट, वही बात कहूँगा कि हॉटस्पॉट कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपका यूट्यूब चलेगा। तो मैं चला एक बार हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ अपने फ़ोन का, फिर इसको चलाता हूँ, फिर आपको सारी इसकी जो साउंड है वो सुनाता हूँ कैसा है।
तो दोस्तों बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की। मैंने हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट कर दिया है, तो आपको फिर सबसे पहले हम नेविगेशन में चलते हैं, नेविगेशन देखते हैं इसका। तो मैप पे जाएंगे अब अपना, तो आपकी नेट की स्पीड पे अपन डिपेंड रहेगा सारा सब कुछ। तो ये ऑन हो गया है, हम जहाँ खड़े हैं वो वाली आ जाएगा पॉइंट, गॉट इट। तो इस टाइम हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, NKS हॉस्पिटल के पास खड़े हुए हैं। तो आपको जहाँ पे भी जाना है आप इधर भर सकते हो, रोहिणी भर देता हूँ दिल्ली का। तो आपको डाउनलोड करना है मैप, डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी ये 52 मिनट दिखा रहा है और ये एक्सेप्ट, तो ये चालू हो जाएगा। तो ये साथ में बताएगी भी आपको कि कब कब कहाँ मुड़ना है। तो आपके स्पीकर से अटैच होगा तो आपको स्पीकर्स में चलेगा। तो अब चलते हैं इसका, हम YouTube वगैरह में चलते हैं इसका। जो मेन फीचर्स हैं जो हमारे हैं, जिसके लिए हम ये ले रहे हैं स्क्रीन वगैरह की, हमें फ़ोन से बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो YouTube पे गए, आपको जो गाना चलाना है आप वो चला सकते हो। इसके अंदर ये सारी प्लेलिस्ट वगैरह आ गई हैं, तो इसमें जो चलाना है वो कर सकते हो। कॉपीराइट के हिसाब से तो मैं वैसे पिक्चर क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ, आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड रहेगा पिक्चर क्वालिटी। तो ये और स्क्रीन कहीं से भी देखोगे आप एक जैसा बढ़िया उस वैसे ही दिखेगी कहीं से भी आप। ये नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाएगा, सनलाइट पड़ेगी तो अलग से दिखेगा, फिलहाल ये है। बाकी अब इसकी सेटिंग्स वगैरह में देख लेते हैं क्या क्या है। ये साउंड सेटिंग्स है हमारी, इसमें आप अपने रॉक पॉप जैज क्लासिक कस्टम अपने और अपने मूड के हिसाब से कर सकते हो। प्लस सबवूफर ऑप्शन भी है इसके अंदर आपको, तो सबवूफर ऑप्शन भी काम करेगा, जब भी आप बढ़ाओगे ये तो ऊपर नीचे होएगा। बाकी आपको आ गया साउंड सेटिंग होगी, सिस्टम इन्फो में आ गया आपका 2 GB रैम है और 16 GB इंटरनल मेमोरी है, एंड्रॉयड 8.1 गो है, आप देख सकते हो। फैक्ट्री सेटिंग हो गया, कार सेटिंग्स हो गया, इसके अंदर हाई एंड कार्स वगैरह होती है तो जिसके अंदर आपके जो AC VC के जो भी कंट्रोल्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो एंड्रॉयड सेटिंग हो गई है, GPS हो गया है आपका, वॉल्यूम सेटिंग हो गया, ब्राइटनेस हो गया है, नेविगेशन हो गया है और फ़ोन आ गया बीच में, और स्टेरिंग आ गया है। स्टेरिंग के आपको अगर आपके स्टेरिंग्स पे है कंट्रोल्स तो आप कंट्रोल बहुत इजीली आप कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जैसे मैंने वॉल्यूम का करना है तो वॉल्यूम पे बटन दबाया, फिर बाद में यहाँ पे आपको करना है तो उधर आ जाएगा, सक्सेसफुली आ जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम कम का है तो आपको दबा के रखना है, तो ये सेट हो गया। उसके बाद हमारा म्यूट का आ गया, तो म्यूट का ये वाला बटन हो गया तो आपको दबा के रखना है, तो वो हो गया, म्यूट का भी हो गया। अब आ जाते हैं मोड और अपना फॉरवर्ड और ये रिवर्स का आ गया इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको ये मोड का बटन यहाँ से दबाना है और यहाँ से ये बटन दबाना है, तो ये सक्सेस हो गया। राइट का साइन आ रहा है तो आपका सारी चीज़ें हो रही हैं। प्लस आपको बैक का करना है तो ये वाला दबा के रखना है, और फॉरवर्ड का हो गया ये वाला, तो सारी चीज़ सेटिंग्स हो गई हैं। प्लस आपका अब आ गया है टेलीफोन्स वगैरह उठाने का, रिसीवर वगैरह का भी है इसके अंदर, ये उठाने का फ़ोन का हो गया, आपको ये दबा के रखना है तो वहाँ सक्सेसफुल हो गया, ये भी ऐसे ही करना है। तो ये सारा आपको पूरा ट्रिप वगैरह का अगर अब इसके अंदर होगा अगर तो वो भी आपका सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें है लोगो सेटिंग के अंदर, आपको अपना जब भी गाड़ी आप ऑन करोगे तो वो आ जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी अदर सेटिंग्स में ये चीज़ें हैं, मुझे पता नहीं क्या है, हैंड ब्रेक है, स्क्रीन सेटिंग है, रिवर्स सेटिंग है, ये शायद कैमरे का है हमारा। बाकी अब हम मेन है हमारा साउंड कैसा है इसका। साउंड में हम जाएंगे अपना यूट्यूब को ओपन करेंगे, पेन ड्राइव इसके अंदर दो है, आपका इनबिल्ट जो पेन ड्राइव वो जो स्लॉट होता है वो भी चलेगा, प्लस आपका अलग से एक और पेन ड्राइव का स्लॉट दिया है इसमें वायर के थ्रू पीछे, जो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये रहा इधर ही है कहीं, ये रहा ये पेन ड्राइव लगा रखी है मैंने, ये देखो, तो ये भी चलेगी, तो दोनों चीज़ चलेगी आपकी। तो इसके अंदर आप प्ले स्टोर में जाके कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे JioTV है, मैंने JioTV डाउनलोड किया है इसके अंदर, तो देखते हैं JioTV चलता है नहीं चलता, तो ये सपोर्ट करता है या नहीं करता JioTV को। तो ये ऑन हो रहा है तो सपोर्ट कर रहा है JioTV को, तो इसके अंदर कुछ हम चला के देखते हैं। थोड़ी वॉल्यूम कम कर देते हैं इसकी, तो ये पहले एड्स वगैरह आ रही हैं, तो टीवी में जाना है हमने, तो ये
तो ये आज तक वगैरह है तो न्यूज़ चैनल ही चला के देख लेते हैं क्या आ रहा है इसके अंदर। मोदी जी आ रहे होंगे हमारे, तो ये आज तक इसमें चल गया है। तो दोस्तों बाकी और कोई चैनल देखते हैं चला के इसके अंदर, तो लाइव आ रहा है ये। बाकी आपकी नेट की स्पीड पे ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी ये और ये चैनल्स हैं जैसे सोनी है, कलर है, कलर के अंदर देखते हैं क्या है आ रहा है आपका। वॉल्यूम कम कर देते हैं थोड़ी। तो ले दे के बहुत बढ़िया सेट है। बाकी चाइनीज़ है, चले तो चांद तक चले, वरना भाई साहब को भी पता है कि कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब तक कोई हॉट वगैरह नहीं हुआ है, बहुत देर से मैं इसके ऊपर ट्राई कर रहा हूँ, फ़िलहाल हॉटस्पॉट मेरा ढंग से चल नहीं रहा है। तो जियो टीवी भी सपोर्ट कर रहा है इसके अंदर। बाकी आप पबजी वगैरह तो नहीं खेल पाओगे क्योंकि इसकी इतनी रैम नहीं है। बाकी आप अपने गाना डॉट कॉम वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी गेम छोटी मोटी गेम है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और खेल सकते हो उसी के ऊपर। लूडो वगैरह हो गया वो डाउनलोड करके आप खेल सकते हो। बाकी ये पूरा पैकेज अच्छा लगा मेरे को इसके अंदर कि जियो टीवी भी चल रहा है, आपका पेन ड्राइव के अंदर सारी चीज़ें चलेगी, प्लस स्क्रीन मिररिंग वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये आ गया। अब यूट्यूब में कोई गाना नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स वगैरह चला लेते हैं या कोई बढ़िया सा कुछ भी देखता हूँ मैं कौन सा होता है दोस्तों। तो कोई गाना चलाते हैं, तो मैंने अपना ही चैनल खोल दिया है तो इसके सब्सक्राइब अंदर करो भाई, कोई बात वीडियोस। नहीं, दूसरी में लड़ी है ना। वीडियोस में जाते हैं, इसके अंदर मैंने कुछ ट्रैक्स बनाए हैं अपने गाड़ी वगैरह के लिए, तो इसके अंदर देखते हैं ट्रैक मैं ढूंढ लेता हूँ कौन सा कहाँ पे है। थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे ट्रैक्स, एक तो ये ट्रैक हो गया तो ये वाला ट्रैक चला देते हैं। तो मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑन करता हूँ। दोस्तों इसका बेस का साउंड है, बेस जैसे आप कोई बढ़िया सा गाना चलाओगे और भी तो बेस और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा क्योंकि एम्पलीफायर लगा हुआ है साथ में। इसके हम सेटिंग्स जो है मेरी दिखा देता हूँ आपको। तो इस सेटिंग्स में जाएंगे आप, तो ये जो सबवूफर का ऑप्शन है ये भी ऑन ऑफ होएगा। मैं पेन ड्राइव से कोई गाना चलाऊंगा तो ये भी आपका पूरा वर्क करेगा सारा। तो कुल मिला के साउंड के लिए भी बहुत बढ़िया सिस्टम है, अब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर क्योंकि मैं एक दो सेट गाड़ियों में लगा चुका हूँ तो कोई अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। रेजोल्यूशन भी अच्छा है, इसकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, यूट्यूब भी है, प्लस आप स्क्रीन मिरर भी कर सकते हो उसके अंदर, प्लस आप पेन ड्राइव से गाने वगैरह भी चला सकते हो। तो सारा होल पैकेज है और बढ़िया, और आपको फ्रेम टू फ्रेम मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सेट अच्छा लग रहा है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो सच में लेना चाहता है वो मेरे को व्हाट्सएप करें। प्राइस वगैरह मैं एक बार मैं बता दूंगा क्या है, उसके बाद में वो ऑर्डर करता है तो वो मैं अपने आप उससे टाई अप कर लूँगा। तो दोस्तों ये थी पूरा मेरा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। और हाँ, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन सी आती है मेरी।